तो फ्रेंड्स, मैं केएम शर्मा केएम सेल्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो आज सब्जेक्ट है, हमें क्या प्रोस्पेक्ट से बात करते हुए डर लगता है? यस, लगता है। इसीलिए मैं सबसे पहले जयंती शर्मा जी का क्वेश्चन, सर लोगों से कैसे बात करें? मुंह खोलकर? मुंह खोल के ही तो बात करेंगे। हाँ, आपका असली प्रश्न ये है, मैं शुरुआत कैसे करूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं शुरुआत कैसे करूं? आज जो भी क्वेश्चन है, जो मेरे निगाह के सामने आते रहेंगे, मैं लेता रहूंगा। फ्रेंड्स, केएम सेल्स एकेडमी में हम इंश्योरेंस एडवाइजर, अभी बहुत सारे प्राइवेट भी आने लगे, लेकिन हम लोग इंश्योरेंस एडवाइजर को कैसे उनकी इनकम बढ़े, एक ही टारगेट है, कैसे वो ऐसे ट्रेंड हो कि इनकम इनकम बढ़िए। अब आपने जो कहा कि मैं नए क्लाइंट्स, मैं नया हूं, मैं कैसे बात शुरू करूं? दोस्तों, सबसे पहले आपके जो परिचित हैं, आपके क्लाइंट हैं, जिनसे आपने बात करनी है, उनको पता होना चाहिए कि आपने एजेंसी का काम शुरू किया है, और या कभी भी कर सकते हैं, आप बीच में भी कर सकते हैं। तो कैसे पता चले? आप आज का टाइम तो बड़ा वो आ गया कि मिलना जरा कम हो रहा है, लेकिन जनरली इसका जवाब जो मेरे पास था, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे सेशन में आते हैं उनको सिखाया करता था, आप जहां जा सकते हैं उनको पहले फोन कीजिए कि गुड न्यूज, मैं इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़, इंश्योरेंस को मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइन कर लिया है, और मेरी ज्वाइनिंग के लिए मुझे 100 फॉर्म भर के देने, एक सर्वे के, सर्वे के लिए 100 फॉर्म भर के देने। वो फॉर्म आप उनसे भरवाइए, हर एक के पास जाइए। इंश्योरेंस शुरू में नहीं मांगना है। अगर आपने तो अभी एडमिशन लिया है, मान लीजिए आपका कोई परिचित, आपके खुद परिवार का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, आज उसने सर्जन का एग्जाम दिया, पास होकर आ गया, क्या कल सुबह वो सबसे कहने शुरू कर दे, लाओ जी मैं सर्जन बन गया, ऑपरेशन करा लो? कोई नहीं कराएगा, क्योंकि वो बन गया है, डिग्री आ गई है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। और उस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं हमेशा अपने नए एजेंट्स को कहता हूँ, 100 फॉर्म भरने हैं आपको, 100 फॉर्म भरने हैं, फॉर्म हम लोग अपने सेशन में देते हैं, उन 100 फॉर्म में डिफरेंट इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन है, और वहीं से आपकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो जाती है, उनकी नीड निकल के आती है, इस तरह से उनसे बात की जाए। जब आप 100 लोगों से बात कर लेते हो तो आपको अपने आप बात करना आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक और क्वेश्चन अभी आया था मिस्टर सत्येंद्र गोसाई जी का कि मैंने आज कार्ड बांटे, मेरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, और मेरा एक ही जवाब था इनसे भी और आप सबसे भी कह रहा हूं मैं। मान लो आज आप, जैसे सत्येंद्र जी से मैंने कहा, आप ब्रांच गए, आपको ब्रांच में दो लोग परिचित भी मिले होंगे जिनसे आपने नमस्ते करी, और कुछ लोग अनजान मिले होंगे, क्या आपको उनके चेहरे और नाम याद है? नहीं होगा याद, क्योंकि आपको अचानक मिले। पर लगातार मान लीजिए आप 10 बजे ऑफिस जाते हो, ठीक 10 बजे एक और एजेंट आपके साथ आते हैं, आप उनकी नमस्ते होती है, दूसरे तीसरे दिन के बाद आपको याद रहता है कि ये शख्स मुझे रोज मिलता है, तो आपको भी मार्केट में इतनी बार रहना पड़ेगा कि आपको लोग याद रखें, हाँ ये शख्स रोज मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये नहीं कि अब उनको याद हो गया तो भूल जाओ, बार बार मिलना पड़ेगा जिससे आपको वो याद रख सके। फिर एक इमेज निकलेगी, सत्येंद्र जी, मिस्टर मनोज, ये सब इंश्योरेंस के एजेंट हैं, जब भी इंश्योरेंस का काम हो मैं इनके साथ आकर मिलूं। तो एक बार से नहीं होता, बार बार आपको अपनी प्रेजेंस देनी पड़ती है, एंड इसीलिए आज डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, FM, सभी जगह देखेंगे, जियो, अनिल मित्तल जी की, एयरटेल, वोडाफोन, हर चीज का ऐड आ रहा है, कार का ऐड आ रहा है, आप सारे रोज देखते हो ना, हुंडई, सेंट्रो, मारुति, सारी चीज देख रहे हो, फिर क्यों ऐड की जरूरत है? क्योंकि वो आपके दिमाग में भर रहे हो, जब आप रस्ते में होते हो तो आंखों से देख रहे होते हैं, तो आपको बार 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 रिमाइंड कराना पड़ेगा। जब तक हम रिमाइंड, आवाज नहीं आ रही जी, बाकी को आवाज आ रही है? यहाँ अभी मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही, बाकी को आ रही है, शायद आप दोबारा देखेगा। तो आपको बार 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 रिमाइंड कराना पड़ेगा, जो आपने कहा मनोज बंसल जी, बाद में लूंगा। जब भी आपसे क्लाइंट नहीं ले रहा तो आप समझ लीजिए अभी मुझे ऊपर उठना है, मेरी तरफ से अभी उस समझाने में कुछ कमी रह गई। और मैंने आपको कहा भी था, सबसे पहले जब आप समझा रहे हो क्लाइंट को, तो अपनी फैमिली में समझाइए, अपने भाई को, अपनी मदर को, अपने वाइफ को, अपनी फैमिली के मेंबर को, और उनसे पूछे क्या रिएक्शन है, जिस समय वो कहें यस अब मेरे मन में आ रहा है इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी चीज है, बस वहां से आपको बाहर निकलना है। हम
बाहर निकलते हैं 1 लाख का प्रीमियम लेने के लिए, 2 लाख का प्रीमियम लेने के लिए, घर से ये भी नहीं सोचते कि क्या बात करूंगा, बस इंश्योरेंस बेचूंगा। इंश्योरेंस में एक प्रोडक्ट नहीं होता दोस्त, और यही कारण से जब वो हमें कहता है हम वो जवाब नहीं दे पाते। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी कहा है आज फिर कह रहा हूं, अपनी स्क्रिप्ट बनाइए। एक एक शब्द मैं पहली लाइन बोलूंगा, वो इसके 3 क्वेश्चन ढूंढिए क्या क्या जवाब दे सकता है, उस 3ों का जवाब आपके पास होना चाहिए, जिससे वो जो भी जवाब दे आप उसका जवाब दे सकते। एंड आप समझिएगा, आप अपना बचपन याद करो, ग्रेजुएशन तक, MBA तक आपके एग्जाम होते थे, आपको कितनी टेंशन होती थी, आधी रात को पढ़ना, सुबह 4 बजे फिर उठना, 12 बजे सोए थे, और जब आप एग्जाम रूम में जाते थे पेपर पटने वाला होता था आपको धक धक होती थी, क्या आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका टीचर लिफाफा फाड़ता था बोर्ड के एग्जाम याद करिए, और उसमें से पेपर निकलते थे, आपको लगता था मेरी आंखें इसको एक्सरे कर लें, सारा क्या लिखा है पढ़ लीजिए, पेपर पटने तक आपको घबराहट, और आपके टीचर मस्त घूम रहे होते थे क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने वाले थे, क्वेश्चन पूछने वाले में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि आंसर तो आपको बताना है। तो दोस्तों जब भी आपका कोई क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछता है उसको रिवर्ट आपकी बिल्कुल ठीक करें, पर एक क्वेश्चन, यहां एक क्वेश्चन आपकी तरफ से जाना चाहिए, और क्लाइंट आपको जवाब दे आपके पास, उस जवाब का दोबारा से क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, मींस आप वो आपको इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझाना शुरू करें, ऐसे क्वेश्चन बनाने जरूरी है जो मैंने बनाए। मेरी जो सक्सेस हुई वो ऐसे ही नहीं हुई, मैंने आपको पता है कई जगह ट्रेनिंग करी, MDI गुड़गावा से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आना शुरू किया, क्योंकि MBA का कॉलेज है वो, MBA को पढ़ाते हैं, उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, वहां से मेरी लाइफ बदली। अरे ये तो क्वेश्चन बड़े कमाल की चीज है। तो दोस्तों आप सबको भी वही चीज करना है, आपको क्वेश्चन तैयार करने, क्लाइंट के क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, ये आपकी लाइफ चेंज करेगा। तो सत्येंद्र जी आप समझ गए कि कार्ड हमें बार बार बांटने हैं। कई बार लोग कहते हैं प्रीमियम सस्ता है, मैं टर्म इंश्योरेंस के ऊपर सबसे बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक ही चीज कह रहा हूं, शोले के गब्बर सिंह बनिए। कितने आदमी थे, यही आपको भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रखना, वो कितने आदमी थे आज अमर हो गया शोले का कैरेक्टर गब्बर सिंह। तो आपके पास भी लोग आपको याद करें, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करने जरूरी है। दोस्तों जब या तो आप समझाओगे या तो आप जवाब दोगे, या तो आप जवाब दोगे या क्लाइंट जवाब देगा। अब आप याद करो, एग्जाम में आप जवाब देते थे, आपकी क्लास में 50 बच्चे थे, कोई फर्स्ट आता था, कोई सेकंड आता था, कोई थर्ड आता था, कोई फेल भी होता था, मतलब कैटेगरी छटनी फिल्टर जवाब देने वाले की होती है, उसमें फेल भी होते हैं, उसमें रह भी जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में उठते हैं, लेकिन जवाब देने वाले को कोई टेंशन नहीं होती। तो जवाब देने वाले को सारी टेंशन है, क्वेश्चन वाले को कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्त आप क्वेश्चन वाले ही बनो ना, बनो क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन में से क्वेश्चन ढूंढना शुरू कीजिए, ऐसा क्वेश्चन जो वो समझाए इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो क्वेश्चन था रिबेट की प्रॉब्लम है, और मैं सोच रहा था अच्छा आप भी बताइए, रिबेट की प्रॉब्लम हमारी है या क्लाइंट की है, रिबेट की प्रॉब्लम किसकी है, एक बार लिखेगा जरा, हमारी या उसकी। दोस्तों रिबेट की प्रॉब्लम तो हमारी है, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर की शक्ल में ऐसा क्या लिखा है कि लोग हमसे डिस्काउंट मांगते हैं। आप बाहर जाकर के अगर एक बिल्कुल ठेली पर खड़े होकर भी चाय पियोगे ना, तो जितने पैसे कहोगे बिना सोचे समझे निकाल के दे देते हो, लेकिन हम इंश्योरेंस एडवाइजर फर्स्ट क्लास सूट पहन के जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, फिर भी लोग हमारे से कहते हैं भाई डिस्काउंट क्या दोगे। क्या हमें अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना चाहिए कि क्लाइंट को पता कैसे चला कि हमारे प्रीमियम में से डिस्काउंट भी दिया जाता है, क्या हमारे अंदर ऐसी क्या कमी आई। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए, मैं जो मानता हूं, क्योंकि आपको अगर आई है तो मुझे भी कभी आई होगी, लेकिन मैं निकला कैसे, नॉलेज के बेस पे, नॉलेज के कारण कॉन्फिडेंस आया और ये समझ में आया अगर ये नहीं कराएगा तो कोई और कराएगा। पहली चीज मैंने अपने मन में ये भरी, मैंने
मैंने अपने को मजबूत किया, और वो मजबूती एक ही चीज से आती है, वो है कॉन्फिडेंस एजुकेशन का। हमारे पास क्लाइंट ही चाह रहे तो भैया फिर तो हम हाथ जोड़ते फिरेंगे। इसीलिए मैं अपने सेशन के अंदर पहला जो सेशन कराता हूँ कोर्स में, वो केवल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कराता हूँ। यस, पॉलिसी पब्लिसिटी इज मेन थिंग। मैं सबसे पहला सेशन ही प्रोस्पेक्टिंग पे कराता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास 1000-2000 नंबर है तब आप चिंता नहीं करोगे, लेकिन आपके पास नंबर ही दो होते हैं, उसने भी मना कर दिया तो सोचते हैं चलो किसी तरह से रिश्ता तो जुड़े, चाहे नालायक से जुड़े। आपको अपनी बातों में वो वजन रखना पड़ेगा कि उसके अंदर कहीं डिस्काउंट का गैप ना आए, हमारा गैप हम निकाल के दे रहे हैं। अनूप जी, प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम है तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हम लोग सैटरडे को नया सेशन शुरू कर रहे हैं। हमारी बातों में से ही गैप निकलता है, वो समझता है। एक क्लाइंट सब समझ रहा है, उसके बाद 10 एजेंट जा रहे हैं, तो आपको उन 10 में से टॉप पर आना पड़ेगा। आपको शिव जी, आपके अपना कनेक्शन देखिए, बाकी लोगों को आ रही है। आपको अपने क्लाइंट के दिमाग पर हावी होना पड़ेगा। वो हावी है, उससे ऊपर आपको निकलना पड़ेगा। आपको ऐसी कुछ चीज करनी पड़ेगी जो आपकी वो रेस्पेक्ट करे, मांगने की जगह। ये हिम्मत आपको पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले नॉलेज चाहिए, आपकी पर्सनालिटी चाहिए। आपका पहला कदम पड़े ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सभी लोगों ने रमेश कुमार अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का नाम जरूर सुना होगा। मैंने उनका एक सेमिनार के अंदर था, उनकी बात मैं आपके सामने रखता हूं, किस तरह से हमें क्लाइंट से ऊपर उठना पड़ता है। वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति का सामान दिल्ली से साउथ इंडिया में शिफ्ट होना था। अचानक उस व्यक्ति ने उनके सारे स्टाफ को बाहर निकल दिया कि निकल जाओ मेरे यहां से। एंड किसी के समझ नहीं आया, इनका मैनेजर मिलने गया, उसने कहा नहीं मुझे बात नहीं करनी, आप जाओ। बात पहुंचते पहुंचते रमेश अग्रवाल जी के पास गई, बहुत ही रेस्पेक्टेड नाम है ये, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। बहुत जीरो से आज बहुत बड़े आदमी बने हैं अपनी वर्किंग स्टाइल के कारण। मैं सेमिनार में था, मैंने डायरेक्ट सुना, उन्होंने ये सोल्यूशन दिया शायद आपको। कहते हैं मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैनेजर कहता है सर मैं क्या बताऊं, वो आदमी ही बात नहीं करना चाह रहा मुझसे, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी। उसने अपने गार्ड को कह दिया कि ये जो अगर लोग आए तो इनको भगा देना, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं, और सर बहुत गुस्से वाला आदमी हो। कहते मेरे लिए भी समस्या होगी। वो आदमी जब घुसने, गार्ड को मना कर दिया, कहते मैं जनरली बहुत सिंपल रहता हूं, लेकिन मैंने उस दिन कुछ निर्णय लिया, मैं ड्राइवर लेके अपनी मर्सिडीज गाड़ी से उस व्यक्ति के घर के दरवाजे पर उतरा। क्यों? उस आदमी को दिखाने के लिए नहीं, कि चौकीदार मर्सिडीज वाले को देख के कहेगा कोई बड़ा आदमी साहब से मिलने आया। कहते और वही हुआ, उन्होंने जाके अंदर कहा कि कोई साहब आपसे मिलने आए, तो मेरे को एंट्री मिली। अब जब एंट्री मिली तो उन्होंने पूछा जी बताइए आप कौन, तब उन्होंने बताया मैं कौन हूं। और वो उस व्यक्ति ने, मैं अभी नाम लूंगा आप सब पहचान जाएंगे, उस व्यक्ति ने उनसे भी मिलने को मना कर दिया, नहीं मेरे को इस विषय में बात नहीं करनी। तब रमेश जी ने कहा, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, सर मैं आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, मेरे स्टाफ से कोई गलती हुई है इसीलिए आप नाराज हैं, नहीं तो मुझे आपके अंदर वो नाराज के कि आप वेल एजुकेटेड हैं, इतने बड़े आदमी हैं, कोई गलती हुई है। पर सर ये अगर हमें गलती पता नहीं चली, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन गलती पता नहीं चली तो सर आगे भी गलतियां होती रहेंगी, तो हमें गलती तो पता चल जाए ना सर, जिससे आगे से मेरा स्टाफ गलती ना करे। मैं वादा करता हूं अगर आपने मना किया तो मेरा स्टाफ नहीं आएगा। तब वो व्यक्ति ठंडा हुआ, उसने बताया, और मैं आपको बताता हूं वो कौन है। वो थे TN शेषन जी, हमारे चुनाव आयुक्त जो थे, और बहुत सख्त थे, अब आप समझ गए होंगे। कहते हैं वो बहुत ज्यादा धर्म को मानते थे। कहते हैं मैं अपने मंदिर के, जिस रूम में मंदिर है, मैं उसके आगे से भी चप्पल पहन के नहीं जाता, और आपका स्टाफ मेरा मंदिर चप्पल पहन के उठा रहा था। बात समझ में आ गई, सॉल्यूशन शुरू हुआ। उस दिन के बाद से अगर आप अपने घर का सामान अग्रवाल पैकर से शिफ्ट कराएंगे तो आप देखेगा उनका कोई भी स्टाफ आपके घर चप्पल रूम के अंदर चप्पल पहन के नहीं आएगा, बाहर ही निकाल देगा। पहला चेंज कभी भी देख लीजिएगा। दूसरा चेंज, एक डब्बा अलग बना है,
या जो पैकिंग होती है मंदिर के, उसके ऊपर मंदिर स्पेशल लिख दिया जाता है और उसको पूरी इज्जत के साथ उठाया जाता है। शेषन जी ने उनको काम दिया, लेकिन उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा। पर मैं जो एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा मैं स्पेशली मर्सिडीज से गया जिससे उनका चौकीदार मुझे एंट्री दे, मीन्स अगर वो बाइक पे जा रहे होते। मैंने दोस्तों जब गाड़ी नहीं थी, बहुत बार गाड़ी किराए पे ली 2-4-5 किलोमीटर पहले कि उस घर के आगे गाड़ी से उतरू। आप बड़े आदमी दिखोगे तो कोई नहीं मांगेगा, सब्जी वाले से ठेली वाले से लोग बार्गेनिंग करते हैं, फ्री का धनिया भी खरीदते हैं, और वही जब मॉल में जाते हैं वही सब्जी खरीद रहे होते हैं, पता है महंगी है और पूरा 5 ग्राम हुई तो उसके भी पैसे देते हैं, नो बार्गेनिंग, क्योंकि मॉल वाले ने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको दिखना चाहिए, एंड आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आप छोड़ दो, आपको नहीं खरीदनी मॉल में सब्जी, छोड़ के आ जाते हो ना, आपको मॉल का जो प्रोडक्ट है महंगा लगता है, डिस्काउंट मिल नहीं तो छोड़ सकते हो। तो आपको क्लाइंट छोड़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए, एंड इससे फायदा क्या होगा। अभी आप कहोगे मेरे तो सारे क्लाइंट छोड़वा दोगे शर्मा जी आप, धीरे 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 आपका एक सर्किल बनना शुरू होगा, जो विदाउट रिबेट वाला को उसको रिबेट के बारे में नहीं पता होगा अपने आप, क्योंकि मेरा बना है। मैं आज मेरे से जनरली रेयर साल में एक या दो आदमी मांगते हैं सर हम नहीं देते, बात खत्म हो जाती है, कोई ज्ञान बांटता नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग आप और मैं कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट नहीं कर रहा। तो एक लेडी कैंडिडेट का था ये, तो रिबेट के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं डिस्काउंट क्यों देते हैं, अच्छा डिस्काउंट देने से क्या पॉलिसी ज्यादा बिकती है, तो बताइए जो डिस्काउंट देता है उसकी कोठियां क्यों नहीं खड़ी हो गई। दोस्तों एक पॉलिसी लेने के लिए जो हम लालच करते हैं ना, एक कदम और गड्ढे में, और 2-4 साल बाद हम एजेंसी को छोड़ देते हैं। जो सोने की खदान थी उसे खोदने की जगह लालच में हम ऊपर से सोना देख के मेहनत नहीं कर रही वापिस आ गए। मेहनत लगेगी रिबेट छोड़ने में, दिल भी लगेगा कई बार, यार मेरा क्लाइंट छूट गया, वो क्लाइंट है ही नहीं आपका, आप तो उसके साथ लालच में जुड़ रहा था। तो याद रखिए छोटा लालच बड़ा नुकसान करता है। तो क्या आप चाहते हो, आप एजेंसी चलाना चाहते हो, आप कहीं ऐसी जगह जॉब करोगे जहां आपको सैलरी नहीं मिलती? अगर नहीं करोगे तो ये भी अपने बिजनेस को जॉब की तरह कीजिए, किसी और से कंपटीशन मत कीजिए, अपना रूल बनाइए। हम लोगों ने कंफर्ट जोन छोड़ रखा है, क्या होता है हम कंफर्ट में रहते हैं। एक स्वामी जी आप क्या डाल रहे मेल में नहीं होता, एक स्वामी अपने शिष्य के साथ घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे, मकान के आगे एक व्यक्ति बैठा था बिल्कुल सादा, पता चल रहा था कोई ज्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन स्वामी जी को रुकना था, उन्होंने उससे कहा मैं रुकना चाहता हूं। कहने उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं रोक तो जाइए, लेकिन मेरे पास ज्यादा सेवा का ये कुछ है नहीं, जैसा हम खाएंगे रूखा सूखा आप भी खा लेना, और सच में रूखा सूखा उसने खिला दिया, क्योंकि वो व्यक्ति था ही नहीं सक्षम। महाराज स्वामी जी भी समझ गए, उन्होंने पूछा भाई तेरे पास जमीन जायदाद है? अरे महाराज जमीन जायदाद बहुत है, पर ये जो मेरी भैंस है ना अच्छा खासा 10-15 किलो दूध देती है, 2 किलो घर के लिए रोक लेता हूँ, 14-15 किलो बेच देता हूँ, आराम से है ना, क्या करने की जरूरत है, जमीन तो मेरे पास है अच्छी खासी। स्वामी जी बुद्धि घबराई जा रही है, आराम से रह सकता था, काम नहीं कर रहा, कंफर्ट जोन में आ गया, जैसे आज हम और आप आ गए। स्वामी जी रात को उठे, अपने शिष्य का खड़ा हो भाई क्या हुआ महाराज, हमें अभी चलना है और चलते हुए इसकी भैंस भी ले जानी है और जंगलों में छोड़ देंगे। शिष्य चकराया, महाराज ये क्या कह रहे हो, बेटा तुझे ही खोलनी है, मैं तेरा गुरु हूं, चल निकल। अब स्वामी जी उसकी भैंस लेके चुपचाप निकल गए, जंगलों में जाके भैंस छोड़ दी, आगे बढ़ गए। वो व्यक्ति सुबह उठा भैंस ही नहीं है, उसको लगा ये साधु चोरी भी कर सकते हैं, फिर उसके मन ने कहा ये महाराज ने कोई कारण तो है, साधु कभी गलत नहीं करेगा, उसका मन मान गया। पर मन मार के अब क्या करता, वो खेती करने लगा, जो जमीन थी भैंस तो चली गई, कंफर्ट जोन चला गया, खेती करने लगा। लेकिन उस साधु के साथ उसका शिष्य था, उसको बात जमी नहीं, उसने कहा महाराज जो है ना गलत काम है, चोरी करवा दिया आज मेरे से, उसको आत्मग्लानी, उसने साधु का साथ छोड़ दिया, पर संगत अच्छी थी, अच्छा काम करता रहा, उसने अपना काम शुरू किया, बिजनेस बढ़ा, वो भी एक बड़ा आदमी बन गया। तो ग्लानी उसके मन में रही, 5-7 साल बाद उसको लगा चलो मैं उस व्यक्ति से माफी मांगू। वो गया था वहां पर झोपड़ी की जगह घर,
ओहो, इस व्यक्ति ने तो जमीन ही अपना घर बेच के निकल गया वो तो बेचारा। नहीं, अभी वो सोच ही रहा था, सामने से व्यक्ति आता दिखाई दिया, वही व्यक्ति था। उसके पास गया, आपने मुझे पहचाना? वो व्यक्ति बोला, मुझे याद आ रहा है, आप रात को मेरे यहाँ साधु भैंस, और आप ही मेरी भैंस चुरा के ले गए थे। अब उस जो साधु के साथ वाला व्यक्ति, उसे लगा है तो मुझे मारेगा, लेकिन वो कहने लगा, महाराज मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने जब मेरी भैंस चुराई ना, तो वो कहने लगा, मैंने चुराई नहीं। कहते, नहीं सर, जो भी किया, पर जब वो मेरी भैंस, मेरा कंफर्ट जोन चला गया, तो मैंने मेहनत करी, और आज ये जो प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हो, दुमंजला घर, ये सब आपके कारण है। मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों, आज कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। ये रिन्यूअल ने हमें कंफर्ट जोन में ला दिया, या हमने सोचा जैसी जिंदगी है वैसी चलेगी, और ये कंफर्ट जोन के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो आपको लगता है ना, आज मेरे पास लास्ट में एक क्वेश्चन आया था, मैं उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ जोड़ रहा हूं। उन्होंने मेरे को कहा, हम सब जानते हैं पर काम क्यों नहीं कर रहे? दोस्त, ये मिस्टर तिवारी थे कैलकाटा से। दोस्त, हम सब जानते हैं, जानने का कुछ नहीं आता, काम करने से ही आता है, और जब जानते हैं तो नहीं करते, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में आने के कारण हम नहीं कर रहे। आप किसी एक चीज में मास्टर बन जाइए। अभी इन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे 3-4 अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर वो पोस्टपोन हो जाते हैं। जब आप जिसको हम फिक्स समझ रहे हैं, जिसको हम फिक्स समझ रहे हैं, वो उसने एक्चुअली हमें टाल दिया था, कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंटेशन में या हमारी बात में कोई कमी रह गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप किसी के साथ टेलीफोन पे भी बात कर रहे हैं, तो पहले प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर, पहले प्रैक्टिस कीजिए उन व्यक्तियों को जो आपको बिजनेस नहीं देना चाहते, नहीं मिलना चाहते, कुछ नई बात सोचिए। ऑलवेज एनी, मैं KM शर्मा बोल रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। सर मुझे इंश्योरेंस की पॉलिसी समझाने के लिए आपसे मिलना है। टाटा, उसे नहीं मिलना आपसे इंश्योरेंस के लिए, तो जिंदगी में उसे खाली तब मिलना है जब उसका गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू है, जब उसकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस ड्यू है, या उसका मेडिक्लेम है। लाइफ इंश्योरेंस मिलना ही नहीं है। तो हमें अपनी कुछ स्क्रिप्ट नई बनानी पड़ेगी। क्या आप अपनी स्क्रिप्ट बनाने के लिए रेडी हैं? हाथ से लिख के, मैं हमेशा कहता हूं शोले फिल्म एक माइल स्टोन है, लेकिन अगर उसकी स्क्रिप्ट ना लिखी जाती तो क्या वो माइल स्टोन चलता? फेल हो जाता। तो अपनी स्क्रिप्ट बनाने पर जोर दीजिए। जब आप क्लाइंट को मीटिंग के लिए भी फोन कर रहे हो, तो भी पहले आपका लिखा हुआ होना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? एक बार इससे यहां पर लिखिएगा, यस। अंकिता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेचने का गुरु मंत्र। गुरु मंत्र सबसे पहले यह है कि जो गुरु ने कहा उसको मान लीजिए, वो कवच छोड़ना पड़ेगा। आपको जिस लेवल पे जाना है, उस लेवल का सारा सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो 12 पॉलिसी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 100 पॉलिसी चाहते हो, तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। 12 पॉलिसी के लिए आप सोचते हो कुछ करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। अरे वैसे भी रोज चलते फिरते दो चार आदमी से कहोगे, कोई ना कोई करा लेगा, 12 तो हो ही जाएंगी। पर जिस दिन आपने सोचा 100 पॉलिसी की, आपको कुछ प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आपने सोचा 100 पॉलिसी 1-1 लाख के हैं, तो और प्लानिंग बड़ी करनी पड़ेगी। उसमें बोलने का ढंग, प्रोडक्ट नॉलेज, आपका ड्रेस, आपका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सच बताइए, आप में से कितने ने ऐसे सोचा कि मुझे, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे को MDRT करनी है, मुझे COT करनी है, सोच के लग गए जो कर रहे थे वैसे ही। जब आप नया बड़ा कुछ प्लान कर रहे हो, बड़ा गोल ले रहे हो, तो क्या आपको चेंज करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही? मुझे तो होती है। आपको अपना गोल आपने बड़ा बनाया, काम वैसे ही कर रहे हो, तो कैसे हो सकता है वो? आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई मंत्र है तो मैं आपसे लेने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तो LIC एजेंट हूं। ये चैनल LIC एजेंट द्वारा LIC एजेंट के लिए चला जा रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बता सकता हूं, हम दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। सच बताइए फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग सोचते हैं मैं MDRT करूंगा? और MDRT फाइनल करने के बाद कितने लोग अपने वर्किंग तरीके को बदलते हो? बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, करते वही है जो मैंने करना है, कैसे बदले?
मैं फिर आज वो याद नाम याद आ जाएगा, टुन्ना कुमार मुझे आए हुए हैं, नाम याद आ गया सामने। उसने पहले दिन सेशन किया और उसी दिन जॉब छोड़ दी और हमारी बात हुई। 1 लाख रुपए की इनकम, 3 लाख रुपए का प्रीमियम सेल शायद बिल्कुल बराबर पहुंच गया या हो चुका होगा या होने वाला था, 1 लाख रुपए की, जो 12,000 रुपये महीना का जॉब करता था। क्यों? उसने बदल दिया तरीका। दोस्तों ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, आप अपने तरीके को बदल दीजिए। बहुत जगह आपने सुना होगा, मैं भी आपको सुनाता हूं, कभी भी अंधे आदमी का एक्सीडेंट नहीं होता। आप रोड पे देखते ना, कभी टू व्हीलर वाले का एक्सीडेंट, पैदल चलते का एक्सीडेंट, लेकिन अंधे आदमी का एक्सीडेंट कभी नहीं देखते आप। क्या कारण है ऐसा कि अंधे आदमी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा? जब वो अंधा आदमी सड़क पार करता है तो पूरी सावधानी से करता है, अगर वो अकेला है तो एक हाथ उठा लेगा, सबको पता है ये ब्लाइंड है भाई इसे जाने दो, या वो किसी आंख वाले से कहेगा भाई साहब मुझे रास्ता पार करवा देंगे। और जब वो आंख वाला उस अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कराता है तो जिम्मेदारी ले लेता अपने कंधे पर, उसके कंधे पर उसके दोस्त उस व्यक्ति का हाथ है जिसने उससे सपोर्ट मांगी है। और बाकी लोग भी देखते हैं ये आदमी बाकी लोगों, इस व्यक्ति को सड़क पार करने में सहायता कर रहा है, तो बाकी भी ये ध्यान करके चलते हैं कि इनका एक्सीडेंट ना हो जाए। दोस्तों क्या आप इस MDRT की सड़क को पार करना चाहते हो? क्या आप जुड़ना चाहते हो आप हमारे साथ? अगर चाहते हो तो मेरा चैनल रोज 9 बजे शुरू होता है और हम अपने चैनल में हमेशा वही बात करते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, बहुत, बिकॉज आई एम ए प्रैक्टिकल इंश्योरेंस एडवाइजर। आपको बहुत सारी जगह चांस मिलेगा, कोर्स मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं अकेला हूं वो शख्स जो इंश्योरेंस एजेंसी चलाने के साथ, इंश्योरेंस एजेंसी चलाने के साथ मेरे ब्रांच के कुछ लोग यहाँ पर है, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है और मुझे मजा आता है। अभी हमने जो हमारा सेकेंड लेवल है उसके अंदर स्टेट क्रिएशन की बात की, मुझे मजा आया और मेरे साथ वाले जो सेशन में थे उनको मजा आया। सर स्टेट क्रिएशन इंश्योरेंस में सुन रहे थे, लेकिन ये सिंपल भी आज पहली बार लगा, ऐसी वाली स्टेट क्रिएशन होनी चाहिए। आप हमेशा सोचते हो सुबह कहां जाऊं, क्यों? क्योंकि आपने वो पेड़ ही नहीं लगाया। एक जॉब करने वाले पियोन से लेके मैनेजर को पता होता है मुझे सुबह कहां जाना है, कितने बजे पहुंचना है, और हम LIC एजेंट वाले को कुछ नहीं पता। क्यों? सेशन अपना शेड्यूल ही नहीं बनाया। तो दोस्तों ये शेड्यूल बहुत जरूरी है, अपने को छोटे छोटे लालच से निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो तिवारी जी आप कह रहे थे मैं हम सब जानते पर काम क्यों नहीं कर पा रहे, ये जो दिमाग है ना, मैं सब जानता हूं ये सबसे खतरनाक दिमाग है, इससे निकलना पड़ेगा। मुझे दोबारा से जानना है, और जब आप ये जानना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो मैं जानता ही नहीं था। हमें गाड़ी चलानी आती है और जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है तो काहे की आती है? अगर मैं क्लाइंट के साथ बैठा, आप में से जो भी समझते हो कि मुझे इंश्योरेंस बेचना तो आता है, उसमें क्या सिखाना है? सर मुझे प्रोस्पेक्टिंग सिखा दो मैं बेच लूंगा। बहुत सारे लोग होंगे मेरे दोस्त, बुरा मत मानिएगा, क्या आपकी 100% क्लोजिंग है? अगर सब आता है तो मेरी भी नहीं है, मैं खुल के मैं कह रहा हूं मेरी नहीं है। हाँ 10 में से 6, 7, 8 100% नहीं है, इसका मतलब है मुझे पूरा नहीं आता, मुझे और सीखना है। और उसके लिए ही मैं MDI गुड़गांव जहाँ MBA पढ़ाते हैं 2 बार गया, मेरी धार तेज हुई। वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग हर वीक नया बैच शुरू करते हैं, अगला बैच हमारा फिर शनिवार को शुरू हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, हमने एक ट्रस्ट बनाई हुई है कर्तव्य एक प्रयास, जिसके अंदर हम लोग 501 501 रुपया फर्स्ट बैच का लेते हैं, जिसमें हम पहले दिन प्रोस्पेक्टिंग, फिर चाइल्ड एजुकेशन या रिटायरमेंट फंड, क्लाइंट बताए कि कैसे होता है, इस तरह से हम 3 सेशन करते हैं। जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर है 9818294653, KM शर्मा। दोस्तों जिंदगी को टुकते में नहीं जीना है, रास्ता बहुत है। टुन्ना कुमार जहां पर इस समय लॉकडाउन चल रहा है वो बताते हैं, मैं जहां रहता हूँ 4 से 5 बजे घर वापिस आना पड़ता है, इतने बुरे माहौल है, वो महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला है।
हम तो बड़े शहरों में रहते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन हमारे पास आपके पास हो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9818294653। दूसरा मेरा नंबर है 9811435863, इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए, जो भी कोई नया दोस्त आया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और आज सबसे बड़ी एक खुशी की बात और शेयर करता हूँ, आज हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो सहयोग दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इससे ज्यादा होगा, और जो हमारा विजन है 1 लाख एजेंट मिनिमम इस हिंदुस्तान के, जो 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे YouTube अच्छे लग रहे हैं, मेरी बात अच्छी लग रही है, तो अपने ब्रांच में अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को इस नंबर पे बात कर सकता है, मैसेज डाल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द सेल।